डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खट्टी एक एमपी से आते हैं, संघ का बैकग्राउंड है आपका भी, कैबिनेट मंत्री की शपथ ली उन्होंने भी, 1990 के दशक में सांसद बन गए थे। सोचें तो बड़ा काम रहा है इनका दलित समाज में, पिछड़े समाज में संघ का, उस समय तो छत्तीसगढ़ बना नहीं था, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बड़ा काम किया है इन्होंने, मतलब संघ के रूप में। श्री किंजरप्पू राममोहन नायडू, सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बने टीडीपी से। आई किंजरप्पू राममोहन नायडू डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear of favor, affection or ill will. I Kinjarapur Rammohan Naidu do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. देखिए टीडीपी का पहला कह सकते हैं कि कैबिनेट चेहरा है, 3 साइम के एमपी हैं, 24 साल जब इनकी उम्र थी तब श्रीकाकुलम से ये सांसद का इन्होंने चुनाव लड़ा था। एरन नायडू के बेटे हैं, एरन नायडू का भी बहुत बड़ा योगदान टीडीपी के संगठन को मजबूत करने के लिए, अगर लेगेसी कहे एनटीआर की चंद्रबाबू नायडू के पास आई तो उसको मजबूती देने का काम एरन नायडू ने किया था। 2 बड़े नेता थे टीडीपी के जिन्होंने टीडीपी को बहुत संगठन की नज़रिए से बहुत मजबूत किया था। उनके निधन के बाद जब 24 साल की उम्र में राममोहन नायडू को ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो तीनों बार शानदार जीत उन्होंने दर्ज की और इस बार भी तीसरी बार चूंकि वो एमपी बने हैं इसलिए ऑब्वियस चॉइस थी। हम लगातार ये कह रहे थे कि अगर कैबिनेट का दर्जा टीडीपी से किसी को मिलेगा तो राममोहन नायडू होंगे और हम आज देख रहे हैं कि वो यंगेस्ट जोशी प्रहलाद जोशी इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया दैट आई विल फेथफुली and conscientiously discharge my duties as a minister for the union and I will do right to all manner of the people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I Prahlad Venkatesh Joshi do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons
any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for union except may be required for the due discharge of my duties as such minister. प्रहलाद जोशी ने एक बार फिर कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। कर्नाटक से आते हैं। एक बड़े नेता ने मुझे बताया था कर्नाटक का बीजेपी से सौरभ की शायद इस बार इन्हें स्पीकर बनाया जाएगा, लेकिन एक बार फिर केंद्रीय मंत्री की शपथ ली है। और इस बार आप लोगों ने सोच रखे थे बीजेपी अध्यक्ष के लिए वो सब मंत्री बन गए, स्पीकर के लिए इनका नाम सोचा हुआ था, वो भी मंत्री बन गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसद का कौन अध्यक्ष रहेगा, वही दो नाम बचे। श्री जुएल उराम, मैं जुएल उराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जुएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित यह प्रकट नहीं करूंगा। जुएल उराव उड़ीसा से आते हैं, वाजपेयी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे थे, और इस पूरी मोदी मंत्री परिषद के अंदर 72 मंत्री जो हैं वो शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा, जिनमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 5 मिनिस्टर ऑफ एमओएस हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के, और 36 एमओएस होंगे, 27 ओबीसी हैं इनमें से, 10 शेड्यूल कास्ट हैं, 5 शेड्यूल ट्राइब हैं, 5 माइनॉरिटी हैं, और 18 सीनियर मिनिस्टर्स हैं, सीनियर सिटीजन कैटेगरी में होंगे लेकिन मंत्री हैं। एलआईएस को 11 मंत्री पद दिए गए हैं। सैतालीस मंत्री ऐसे हैं जो तीन बार या उससे ज्यादा पार्लियामेंट में रहे हैं। उनतालीस ऐसे मंत्री हैं जिनको केंद्र में मंत्री परिषद का अनुभव है। शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गिरिराज सिंह रिकॉर्ड तीसरी बार मंत्री बने हैं। इनका और ललन सिंह का एक साथ होना, दोनों बड़े भूमिहार नेता एक ही कैबिनेट, बिल्कुल, और एक रीजन के ऑलमोस्ट, बिल्कुल मुंगेर लखीसराय एक रीजन के, लेकिन जाति के चलते ये हैं, न्यूसेंस वैल्यू के चलते ललन सिंह,
कि अगर उनको फ्री किया गया, जाति में ललन सिंह को भूमिहार में कोई जनाधार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ललन सिंह का मानना ऐसा होता है, जेडीयू के लोग कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि चुनाव मैनेजमेंट से जीता जाता है, जनाधार से नहीं। अच्छा, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि लोगों से उनका इंटरेक्शन कितना कम रहता होगा, कोई बहुत मिलनसार नेता के तौर पर नहीं जाता है जेडीयू के भीतर, कोई वैसा जनाधार नहीं है। गिरिराज सिंह के बारे में उल्टा है, लोगों से मिलना खूब पसंद करते हैं। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अश्विनी वैष्णव ने बता दिया कि पहले ही बारी मंत्री बनने के बाद व्यक्ति के काम की कितनी जरूरत हो सकती है। सारे महत्वपूर्ण, कई महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहे, रेलवे, आईटी, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोफाइल सौरभ सोचिए कैसा है, पार्टी का काम जी इंजीनियरिंग है, मतलब आईटी से एमटेक, ब्यूरोक्रेट, सरकार, सीईओ भी रहे ना, प्राइवेट जॉब में सीईओ रहे कंपनी, फिर अपनी कम, मतलब एकदम वर्सेटाइल, और कोई एरोगेंस नाम की चीज़ है ही नहीं इनके व्यक्तित्व में, इतना इजी कैरिंग, इजी गोइंग पर्सन नहीं है। बता रहे थे कि जब भी प्राइम मिनिस्टर कोई टास्क देते हैं मैं जाता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सिविल एविएशन और स्टील मिनिस्टर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरी बार मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश की तो अच्छी टीम हो गई है, शिवराज जी भी और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों, वीरेंद्र खटीक। श्री भूपेंद्र यादव, मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात,
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भूपेंद्र यादव राज्यसभा में बड़ा अच्छा रहे, इस बार अलवर से चुनाव उन्होंने पहली बार लड़ा, लोकसभा का जीते, अब मंत्री बने। मंत्री वो पहले भी रहे, पिछले कार्यकाल में भी रहे नरेंद्र मोदी के संगठन में, बीजेपी के उनकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती रही उससे पहले तक, लेकिन नरेंद्र मोदी उनको सरकार में लेकर के आए और अब एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बने।